सीधा मुद्दे की बात करूंगा, OTM, ATM, ITM, इन सब की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, बार बार बोल के आपको तंग नहीं करूंगा। इन तीनों को ही ऑप्शंस के अंदर हम फाइंड करते हैं। आपको नहीं पता ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इन सब पे वीडियो आ चुकी है, जाके इसको वॉचआउट कर सकते हैं। आप जब भी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा राउंड नंबर के साथ स्टॉक प्राइस को फाइंड करना होता है, जैसे कि 37,100, 200, 300 ऐसे करके फाइंड करना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 37,396 में मार्केट है तो मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का फाइंड करने जाऊं, तो ऐसे नहीं मिलता। अगर 37,396 पे है मार्केट तो आपको 37,400 का राउंड नंबर फाइंड करना पड़ता है, पता होगा। ऐसे ही 37,555 पे है तो आपको 37,600 का राउंड नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अभी मार्केट कहाँ पे है, अभी मार्केट है गाइस 37,486 पे, तो मार्केट के इसके पास का राउंड नंबर क्या होगा, 37,500। ओके, तो राउंड नंबर के साथ आप ट्रेड करते हैं। अभी आपने क्या सुना, सबसे पास का राउंड नंबर फाइंड करना पड़ता है, तो जो सबसे पास का राउंड नंबर होता है वही ATM प्राइस होता है, एट द मनी प्राइस। अगर आपको ATM प्राइस समझ में आ चुका है तो आपने 90% इस टॉपिक पे जीत हासिल कर ली है। अब मुद्दा वही बनता है कि अब ITM OTM क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इन तीनों में से किस में यूज़ करके हम 20% पैसा एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, इस बात को हम देखते हैं आगे। ओके, जैसे कि मैंने कहा 37,500 पे अभी मार्केट चल रही है, इसी के एग्जांपल के साथ हम देखते हैं 37,500 एट द मनी और ITM OTM कैसे विपरीत हैं उसकी बात करते हैं। अगर मेरा व्यू है मार्केट के अंदर कि मार्केट ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा गाइस, 37,500 फिर 600, 700, 800 ऐसे करते करते मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने क्या कहा, जाएगा, अभी गया नहीं है। मार्केट जब ऊपर जाएगा तब रेट बढ़ेगा, तो जो मार्केट में अभी तक हुआ ही नहीं है, जो अभी तक मार्केट से आउट है, तो वही तो आपका OTM कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी, इसी को कहते हैं। जो मार्केट से अभी तक आउट है, जो अभी तक मार्केट जहाँ पे गया नहीं है, वही आउट ऑफ द मनी कहलाता है। इसके रेट सस्ते होते हैं क्योंकि इसके रेट बाद में बढ़ेंगे जब ये मार्केट ऊपर जाएगा। जितनी दूर का OTM प्राइस होगा उतना वो सस्ता होगा। आपने सुना होगा कि डीप आउट ऑफ द मनी, तो अगर 38,000 होगा आप बाय करने जाएंगे इस टाइम पे, तो मार्केट के अंदर सबसे चीप रेट इसका होगा, इससे ऊपर भी होते हैं तो आप उसका भी बाय करेंगे, तो वो आउट ऑफ द मनी सबसे चीप रेट का होता है, कम रेट का होता है। इसका उल्टा इन द मनी के अंदर, इन द मनी में जितने ऊपर का आप इन द मनी बाय करने जाएंगे वो सबसे महंगा होगा, ये सबसे महंगा ये होगा, उससे सस्ता ये, उससे सस्ता ये, सस्ता ये, ऐसे करते करते रेट कम होते चले जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही होता है पुट के अंदर। जब मार्केट के अंदर मान लो कि मेरा व्यू है ये है कि 37,500 से मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे कैसे जाएगा, 37,500 पे है, फिर 400 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, ऐसे करते करते मार्केट नीचे जाएगा, तो वहाँ पे आप पुट बाय करते हैं। तो जितना आप आउट ऑफ द मनी पुट बाय करेंगे वो सस्ता होगा, सबसे सस्ता ये वाला होगा, और जितना आप दूर का इन द मनी बाय करेंगे वो सबसे महंगा होगा, फिर ये सस्ता सस्ता ऐसे करते करते साइकिल चलती है इसके अंदर भी। अब कुछ समझ में आया? ओके, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होंगे कि हम कौन सा बाय करें भाई, इन द मनी बाय करें, ATM, या फिर आउट ऑफ द मनी बाय करें। ओके, इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ आज के चार्ट के साथ दिखाता हूँ। इस टेक्निक को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट के अंदर आज 37,500 के आसपास मार्केट बंद हुआ, तो आप ध्यान से देखिए इस बात को। मार्केट के अंदर ये पॉइंट जो है, यहाँ से मार्केट ने एक यहाँ तक डे के एंड तक मार्केट ने एक बुलिश मोमेंट दिखाया। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे 37,274 पे है, कितने बजे की कैंडल है ये, 10:45 की, आपको यहाँ पे टाइम दिख पा रहा होगा 10:45 का। 10:45 की शुरुआत में 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग कितने पॉइंट की मोमेंट की देखते हैं, आइए यहाँ से लेकर डे के एंड तक, यहाँ तक डे के एंड तक इसने लगभग 216 पॉइंट की एक अपसर रैली दिखाई, डे के एंड तक बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपको ऑप्शंस के अंदर कितने पॉइंट मिलते हैं, लगभग आधे, एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा मैं भी, पर आपको लगभग आधे पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शंस के अंदर लिया है तो आपको 100 पॉइंट के आसपास मिलते हैं, ये रूल होता है। अगर आपने 25 पॉइंट ली हैं तो आपको 2500 रुपये मिल जाएंगे, अगर आपने 200 अंक कैप्चर कर लिए तो। अब कौन से में आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ATM, OTM, ITM, ये देखते हैं लाइव एग्जांपल के साथ। ओके, मैं खोलता हूँ अपना काइट का ऐप। ओके, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक पर ऐड हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट अभी चार्ट पे कहाँ पे थी, मार्केट यहाँ पर थी लगभग 37,274 के आसपास। तो इसका ATM स्ट्राइक पर क्या बनेगा, राउंड नंबर क्या बनेगा, इसका बनेगा 37,300। तो हम ATM से चेक करते हैं कि अगर हम ATM यहाँ पे बाय करते तो हमें कितना बेनिफिट मिलता 216 की अपसाइड रैली के अंदर, ठीक है। ओके, 37,300
व्यू चार्ट, ध्यान से देखना, 15 मिनट का चार्ट ही खोला हुआ है। अब मैं फाइंड करूंगा इसके लिए कितनी अपसाइड रैली आई, 10-45 कैंडल यहाँ से लेकर डे के एंड तक कितने पॉइंट कैप्चर हुए, 103। ओके, समझ में आया, 103 अंक इसके अंदर कैप्चर हुए। ये आप काउंट करते जाना, लिखते जाना इसको। ओके, अब मैं देखना चाहूँगा 37,200 का जो कि इन द मनी है, उस टाइम पे 37,300 एट द मनी था, तो उससे जो ऊपर का है 37,200, ये हो गया इन द मनी। आप देख भी पा रहे होंगे इनके रेट ज़्यादा हैं, तो आइए देखते हैं इसका क्या चार्ट बनता है। हमने अगर उस टाइम पे ये वाला लेते तो हमें कितने पॉइंट मिल जाते, हमें मिल जाते गाइस 10-45 कैंडल से डे के एंड तक कितने पॉइंट मिलते, लगभग 112 अंक। देख पा रहे हैं आप वहाँ पे आपको 103 पॉइंट मिले थे, यहाँ पे आपको 10 पॉइंट ज़्यादा मिल गए। ओके, हम एक और इन द मनी देखते हैं 37,100 का, ये और इन द मनी हो गया, डीप इन द मनी। ओके, अब हम देखते हैं कितना इसमें पॉइंट मिले हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मिले 125 पॉइंट। आप देख पा रहे हैं 10-12 अंक बढ़ते चले जा रहे हैं, मार्केट वही है, बैंक निफ्टी वही है, 216 अंक की रैली सेम आई है, पर हम जैसे जैसे इन द मनी जाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ही यहाँ पर हमारा पॉइंट बढ़ते चले जा रहे हैं 10-10 पॉइंट। लोग समझ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं इसके रेट, ये 470, 513, 600 ये रेट चेक करते हैं। दिक्कत क्या आती है गाइस, जहाँ हम इन द एट द मनी बाई करते हैं, ये पड़ता है हमें लगभग 11,750 रुपये का। हम इससे और इन द मनी बाई करते हैं तो ये पड़ता है हमें 12,000 रुपये का, और इससे हम और इन द मनी बाई करते हैं तो कितना पड़ता है, 15,000 रुपये का। लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये महंगा है, पर जो ये एक्चुअल गोल्ड है, आप लोहा खरीदने जाओगे तो लोहा तो बहुत सारा आ जाएगा आपके पास, पर वो गोल्ड के मुकाबले बहुत छोटा होता है। इसलिए कह रहा हूँ आपको गोल्ड लेना चाहिए ना कि लोहा, ये मैं आपको शो करता हूँ आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन के साथ। अगर मैं उस टाइम पे 37,400 का लेता तो हमें कितने अंक मिल जाते, हमें अंक मिलते भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंक के आसपास हमको मिलते। और अगर मैं 37,500 तक जाऊँ जो कि और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, इसका चार्ट देखने पर देखते हैं कितने अंक मिले हमको, हमें अंक मिले केवल 79। तो मतलब कि जितना मैं नीचे जा रहा हूँ, जितना मैं OTM पे जा रहा हूँ उतना मेरा प्राइस कम हो रहा है, और जितना मैं ITM पे जा रहा हूँ उतना मेरा प्राइस ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्लियर होता है कि हमें इन द मनी बाय करना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें तो 15,000 रुपये वही हमें रेट ज़्यादा लग रहे हैं, और ये बात भी है कि मार्केट में आप जितना बड़ा ऑप्शन लेंगे, जितना इन द मनी लेंगे, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो उतना ही आपको लॉस होगा। मान लो कि अगर आपको एट द मनी पे 100 अंक मिलने थे, तो अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है 200 अंक, तो आपको ऑप्शंस के अंदर 100 अंक का नुकसान भी होगा। और OTM पे अगर आपको 80 अंक मिलने हैं प्रॉफिट में, तो लॉस के अंदर भी आपको 80 पॉइंट का घाटा होगा। और आप कहोगे सर OTM बढ़िया है ना, नुकसान कम हो रहा है। आइए मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल सर कैलकुलेटर पर दिखाता हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है और आपको साइकोलॉजी पर कंट्रोल नहीं आता है, तो आपके लिए ATM सब बेकार है, वरना आप तो हर बार लॉस ही करोगे, उल्टी सीधी क्वांटिटी भरोगे। आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप ATM से या इन द मनी से 20% एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो OTM के मुकाबले। कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। पहले आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए। मान लेता हूँ कि आपके पास एक सेटअप है जो कि 80% काम करता है और 20% लॉस होता है। कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता, यह बात आपको पता ही होगी। महीने के अंदर मान लेता हूँ कि आप 10 बार ट्रेड करते हो, उसके अंदर आपका 8 बार प्रॉफिट होता है और 2 टाइम लॉस होता है। अगर आपको 200 अंक कैप्चर करने आते हैं, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर 200 अंक हमने कैप्चर किए थे, तो जी 200 अंक के अंदर ATM के अंदर हमें मिलने थे 100 अंक और OTM के अंदर हमें मिलने थे 80 अंक। ऐसे ही जब हमें लॉस होगा तो ATM के अंदर 100 अंक का लॉस होगा और OTM के अंदर 80 अंक का लॉस होगा। पर हम ATM से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं कैसे, उसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो 8 बार हमें प्रॉफिट हुआ महीने के अंदर, तो मैं OTM का एग्जांपल पहले लेता हूँ। 80 अंक हमने लिए कितनी बार, 8 बार लिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 640 पॉइंट का। मैं मान रहा हूँ कि आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है, 640 अंक आपने कमाए। ओके, और लॉस कितना हुआ, लॉस आपका 2 बार 80 बार भाई 80-80 करके 2 बार लॉस हुआ। ओके, 160 पॉइंट का लॉस हो गया। तो आपने 640 टोटल कमाए और 160 का लॉस किया, तो आपके 480 पॉइंट्स टोटल बने, और आपने 100 क्वांटिटी हर बार ली थी, तो आपके कितने इनकम हो गई महीने की, 48,000। ओके, इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ एट द मनी की। एट द मनी के अंदर आपको 100 पॉइंट मिलने हैं एक बार में,
ठीक है जी, जब आप जीत रहे हैं, और जब हार रहे हैं तब भी आपको 100 अंक जा रहे हैं। तो 8 बार आपने प्रॉफिट किया 100 अंक का, तो कितने रुपये हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, 800 पॉइंट्स। और आप 2 बार लॉस कर रहे हैं तो आपके कितने पॉइंट का लॉस हो गया, 200 पॉइंट का, तो 600 अंक हो गए। और आप 100 क्वांटिटी सेम ले रहे हैं तो कितने की इनकम हो गई, 60,000। ATM के अंदर 60,000 की अर्निंग हो रही है और OTM के अंदर आपको 48,000 रुपीज़ जा रहे हैं। तो आपके साफ साफ दिख रहा है आपको कि 12,000 रुपीज़ आपके कम हो रहे हैं 48,000 OTM के अंदर, और आपको ATM से ट्रेड करने पर आपको 12,000 फालतू मिल जाएंगे। साफ सीधी बात है, आपको 20 से 25% इनकम ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ATM और इन द मनी करेंगे तो आपको और प्रॉफिट होगा। इन द मनी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और अगर आप 110 अंक प्राप्त करते हैं, अगर आप डीप इन द मनी को बाय करते हैं तो आप 110 अंक कमाएंगे 8 बार, तो कितने हो गए, 880 अंक। और आप 2 बार लॉस कर रहे हैं तो कितने हो गए जी, 220 अंक का लॉस। 880 अंक माइनस के 220 अंक कितने हो गए जी, 660 पॉइंट। क्वांटिटी अभी आपके सेम है तो आपके 66,000 रुपये हो गए, आपके OTM से 18,000 रुपये फालतू। तो ऐसे करके आप देखिए, प्रैक्टिकल करिए, आप एक महीना OTM से ट्रेड करिए और एक महीना ट्रेड कर दिए इन द मनी से, तो आपको साफ फर्क पता लग जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है फिर तो आप उल्टी सीधी क्वांटिटी बाय करोगे। प्राइस एक्शन में और मनी मैनेजमेंट में यही होता है कि आप सेम क्वांटिटी रखते हो, सेम टारगेट रहता है, फिक्स स्टॉप लॉस रहता है, तभी आप एक कामयाब ट्रेडर बन पाते हो। तो मैंने आपको बताया कि कैसे इन द मनी यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर DM कीजिए, क्योंकि और जो यूट्यूब पर नहीं कर पाते हैं, मेरे को शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे को ये दिक्कत झेलनी पड़ी थी क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला था ही नहीं, पर आपके टाइम पे मैं हूँ, मैं आपको आपकी हर क्वेरी का आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ। आप यूट्यूब पे कोई सा वीडियो देखिए मेरा, उसके अंदर मैंने हर कमेंट पे हर बंदे का आंसर किया है, तो इसी चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अपने खुद की तारीफ खुद कर रहा हूँ, पर मैं सबका आंसर करता हूँ तो मैं आपका भी आंसर करूँगा। इस वीडियो के ऊपर कोई आपकी एडवाइस हो, कोई कमी हो तो बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे करेंगे तो सब देख पाएंगे उसको। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे पूरे दिल से धन्यवाद। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं एजुकेशनल, जिसको देख के आपको सीख सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहे। थैंक यू गाइस।